किससे खुशी मिलती है आपको, इसमें देखिए बोलना है। वायलिन बजाने से और पियानो बजाने से, मम्मी पापा से। और आपको साथ में से होती है? जब मैं बारिश में खेल नहीं पाती, जब मेरी बहन मेरे को चाटा मारती है तब। मुझको ना SST की सब्जेक्ट नहीं पसंद। On 2nd July 2018, the Delhi government inaugurated its happiness curriculum. As part of it, there will be mindfulness classes for kids from nursery to the 8th grade in all government schools across Delhi. But what really goes on in these classes? I decided to attend one to find out. दोनों हाथों को धीरे धीरे से आपस में रखिए और हाथों की गर्मी को अपने चेहरे पे महसूस करिए। कलर है तो कलर निकालो, पेंसिल है तो पेंसिल दो। डेस्क पे हाथ रखते हैं और फिर हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं और फिर कभी कभी हम वो नेचुरल आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं जो हम नॉर्मली नहीं सुन पाते। ध्यान से सोचते हैं और किसी चीज़ को महसूस करते हैं। हम माइंडफुलनेस में ड्राइंग करते हैं। माइंडफुलनेस एक एक्टिविटी होती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमें ध्यान लगाना चाहिए। सच बताऊँ तो द आइडिया ऑफ विजिटिंग अ गवर्नमेंट स्कूल हैड लेफ्ट मी विद इमेजेस ऑफ रिकिटी फर्नीचर एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मुझे काफ़ी सरप्राइज हुआ ये देखे कि नॉट ओनली इज द स्कूल एफिशिएंटली रनिंग ऑन इट्स फीट बट इवन द हैप्पीनेस क्लासेस आर प्रोग्रेसिंग स्मूथली। एक्टिविटी करने के बाद सभी लोग यहाँ पर अवेलेबल है? Education cannot just be about the marks students get. Education really has to be about the kind of human beings who are coming from school. बच्चों की socio-emotional well-being is a very important question that one needs to look at, and especially in government schools where the children who are coming are often coming from backgrounds of a lot of adversity, be it in terms of the poverty from which they come from, be it in terms of single parent homes, be it in terms of domestic violence and abuse that they witness on a regular basis. सात आठ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस निकली, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स निकले, एजुकेशनिस्ट निकले, जिन्होंने हमारे अपने टीचर्स के साथ काम करके सिलेबस को डिजाइन किया है। बड़े प्यार से खाए और मुझे थैंक यू भी बोला। बच्चों के चेहरे पे जब एक्टिविटीज के बाद जो स्माइल देखते हैं तो थोड़ी संतुष्टि मिलती है कि हाँ कुछ अच्छा किया हमने। हमको पर्सन टू पर्सन इंटरेक्ट करना, हर बच्चे के विचार जानने हैं, लेकिन कई बार टाइम का कम होने की वजह से ऐसा कई बार होता है, तो थोड़ा सा टाइम अगर और मिले इसको तो ज्यादा बेटर रहे। हमें अपने ऊपर क्या करना है, बिलीव करना है। माइंडफुलनेस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। से फॉर एग्जांपल नॉट ऑल, एक या दो टीचर जो माइंडफुलनेस एक्टिविटी जो होनी चाहिए उसकी बजाय मेडिटेशन पे फोकस कर रहे थे। While this happiness curriculum seems to hold great potential, it's too soon to conclude how successful and impactful its implementation would be. So are Delhi kids all growing up to be happy human beings, happy citizens? Well, I hope so, because if children grow up to be happier than they are, then मुझे लगता है कि within the next decade or so, we will see a lot of difference in the society we live in. We will see a lot of difference in the city that we live in. It's unclear at this point how many government schools in Delhi are actually functioning so smoothly, especially with their happiness classes. But even if one school has managed to achieve this level, it's an important milestone.